हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आई टी एग्ज़ाम में। दोस्तों, DGT की ओर से एक अपडेट कह लीजिए या फिर नोटिस बोल दीजिए है, जिस पर आप लोगों ने मुझे कमेंट भी किया था कि सर बताइए इसके बारे में क्या वो नोटिस है। तो लड़के भाई परेशान हो रहे हैं, तो मैं आपको बता दूँ, जिन छात्रों की परीक्षाएँ 3 तारीख से होने वाली हैं, तो उन लोगों के लिए मतलब इसमें कोई चेंजेस नहीं किया गया है। जैसे आपकी परीक्षा हो रही थी पहले, जैसे जितने सवाल आए थे उतने ही आएंगे। आप लोगों की परीक्षाओं में कोई भी चेंजेस नहीं किया गया है। अब ये नोटिस किन छात्रों के लिए है वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। देखिए, जिनका एडमिशन 2020 में था, ठीक है, जिनका एडमिशन 2000 किस में है, 20 में, और जिनका एडमिशन 2019 सेकेंड ईयर में है, यानी कि आपके जो एग्ज़ाम होने वाले हैं 3 सितंबर से, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर, है ना, 3 सितंबर से आपके जो एग्ज़ाम होने वाले हैं फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर वालों के, 2019 और 2018, तो आप लोग के एग्ज़ाम से रिलेटेड ये कोई कुछ नहीं है, ठीक है। आप लोग के मतलब आप टेंशन फ्री रहिए, आप लोग की परीक्षाओं में इससे रिलेटेड कोई भी बदलाव नहीं किया जाने वाला। जैसे परीक्षाएं पहले हो रही थी वैसे ही आपकी परीक्षाएं कराई जाएंगी, कोई भी चेंजेस नहीं किया जाएगा, ठीक है। ये लिमिट गया मुद्दा। अब आ जाओ किन छात्रों के लिए, जिन छात्रों का 2020 में एडमिशन हुआ है नया, ठीक है, उनके लिए, और जिनका 2019 में एडमिशन था यानी कि सेकेंड ईयर, है ना, और या फिर उन छात्रों के लिए मान सकते हो जो आने वाले दिनों में ITI में एडमिशन लेंगे, यानी कि नया प्रोसेस है ये, है ना, नया प्रोसेस है। जैसे ही आपकी परीक्षाएं खत्म होंगी 3 सितंबर वाली, है ना, उसके बाद ये गाइडलाइन लागू की जाएगी। समझ गए ना मेरी बात को सिंपल भाषा में। जैसे ही आप लोगों की परीक्षाएं समाप्त की होंगी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की, हालांकि 2018 वालों का निमट ही जाएगा सिस्टम, उनके लिए तो कुछ है ही नहीं। जैसे ही आप लोगों की परीक्षा का सिस्टम निमटेगा, उसके बाद जब जब 2020 वालों का नया सेशन स्टार्ट होगा, तो उसमें जो है ये गाइडलाइन लागू किया जाएगा और फिर चलता रहेगा जब तक DGT आएगा, ठीक है। अब ये गाइडलाइन है क्या, सुन लो ध्यान से मेरी बात को। देखो, इन्होंने क्या किया है, गाइडलाइन जारी की है एडमिशन से लेकर के, यानी कि शुरुआत से, जीरो लेवल से लेकर, यानी कि अनंत तक, एक अनंत मतलब अनंत तक नहीं मान सकते, एडमिशन से लेकर के आपके सर्टिफिकेट तक, है ना, एडमिशन से लेकर के आपके सर्टिफिकेट तक का जो भी प्रोसेस होता है वो सब कुछ इन्होंने इस गाइडलाइन में बता दिया है कि कब आप लोगों की परीक्षाएं होंगी, कब आप लोगों का जो है एक किस्म से आपको क्या सिलेबस होगा, मतलब क्या क्या आपको चीज़ें इसमें देनी पढ़ना पड़ेगा, कितनी फीस है, तो सब कुछ हमने इसमें डिसाइड कर दिया। तो सबसे पहले मैं एग्ज़ाम शेड्यूल एग्ज़ाम की बात कर लेता हूँ। तो आप लोग जानते होंगे, वीडियो थोड़ा सा लंबी हो सकती है, तो भाई रुके रहना, ज़रूरी चीज़ें हैं ध्यान से सुन लेना, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इसके अलावा सुन लो ध्यान से, अगर आपको सरल भाषा में पढ़ना है, अगर वीडियो देखने के बाद ना समझ में आए, तो मैंने वेबसाइट पर ये पूरा प्रोसेस, यहाँ पर कुछ ज़रूरी चीज़ें, जो ज़रूरी चीज़ें थी वेबसाइट पर आप लोग साइड में देख सकते हो, मैंने यहाँ पर अपलोड कर दी हैं कुछ ज़रूरी चीज़ें हिंदी में, कि ये क्या है, इंग्लिश में है नोटिस, तो हिंदी में अगर आप पढ़ना चाहो तो वहाँ पर मैं डाल दिया है, वहाँ पर भी आप लोग पढ़ सकते हो। सबसे पहले तो मैं बता दूँ आपको कि जो एग्जामिनेशन है आप लोग के, जैसे अब की बार क्या था, कोविड की वजह से मान सकते हो, या फिर कुछ ऐसी घटनाएं घटी हैं अब की बार, है ना, जिससे परीक्षाओं में देरी की गई है ना। लेकिन जो शेड्यूल है वो जो शेड्यूल होना चाहिए परीक्षा कब है, इन्होंने बताया है कि जो अब आने वाले दिनों में हम जब सुधार हो जाएगा सब कुछ, तो जुलाई अगस्त में किसके एग्ज़ाम होंगे, एनुअल रेगुलर वालों के, है ना, जो एनुअल है मतलब फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर वाले, है ना। उसके बाद जो नवंबर दिसंबर का जो प्रोसेस है वो होगा सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम वालों का, जिनका सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम होता है। तो ये मुद्दा आपको ध्यान रखना है, जुलाई और अगस्त और आपका नवंबर दिसंबर, इसमें आपकी परीक्षाएँ ली जाया करेंगी आने वाले दिनों में, ठीक है, नए प्रोसेस में, तो नई गाइडलाइन ये। अच्छा, अगला जो पॉइंट है, जो जरूरी चीज, जरूरी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ, ज़्यादा फालतू का मैं भसड़ यहाँ पर नहीं फैलाने, ठीक है। अब देख लो क्या दूसरा पॉइंट है, इन्होंने पूछा है एग्ज़ाम सेंटर, है ना, एग्ज़ाम सेंटर से रिलेटेड इन्होंने बात की है कि सेंटर कहाँ 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 पर होंगे। तो देख लो, सबसे पहले तो जो आपका प्रैक्टिकल के एग्ज़ाम है वो आपकी ITI में ही कराए जाएंगे, ठीक है, आपकी ITI में ही, और जो आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग का है वो आपकी गवर्नमेंट ITI में हो सकता है, या फिर आप लोग की ITI में, अगर आपकी ITI 5 सालों से कार्य कर रही है या फिर एक्टिव है, उसकी 8 यूनिट है, ठीक है, तो ये आपको प्रोसेस ध्यान रखना है। उसके बाद जो आपका CBT एग्ज़ाम है ना, CBT एग्ज़ाम है वो हो सकता है आपका या तो गवर्नमेंट ITI में होगा, या फिर एक एक किस्म से जो सिलेक्ट होगा जहाँ पर आपकी ITI निर्धारित करेगी, है ना, ऐसा कॉलेज जहाँ पर कंप्यूटर की व्यवस्था हो, ऐसा कुछ मतलब हो सकता है गवर्नमेंट ITI, है ना, तो ऐसा सिस्टम आपका यहाँ पर किया जाएगा, ठीक है। तो ये मुद्दा आपको ध्यान रखना है।
ठीक है। चलिए अब अगला जो जरूरी पॉइंट है मैं आपको दिखाने वाला हूँ, दूसरी चीज़ आती है यहाँ पर, वो आ गया कि आपका जो सिलेबस है वो क्या क्या रहने वाला है। तो अब जैसे आप लोग देखते हो तो ट्रेड प्रैक्टिकल होंगे, इंजीनियरिंग ड्राइंग होगी, ट्रेड थ्योरी होगी, वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस होगा, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल होगा। ठीक है, ये कुछ चीज़ें हैं जिन्होंने इंक्लूड की है। ठीक है, उसके बाद मैं अगली बात पे आता हूँ। ठीक, अब जो एक ज़रूरी बात सुन लो ध्यान से। ठीक है, अब जो ज़रूरी बात है, देखो इन्होंने क्या काम किया है, अब की बार इसमें बदलाव कर दिया है क्या का। देख लो, जो सेकेंड ईयर में इंजीनियरिंग ड्राइंग होती थी ना, जो सेकेंड ईयर में इंजीनियरिंग ड्राइंग होती थी वो क्या होती थी, सबकी अलग अलग होती थी, है ना। आप लोगों ने देखा हो, जो सेकेंड ईयर में इंजीनियरिंग ड्राइंग होती थी क्या होती थी, सबकी अलग अलग। सेकेंड ईयर की बात कर रहा हूँ मैं, फर्स्ट ईयर में सबकी सेम होती है इंजीनियरिंग ड्राइंग, लेकिन सेकेंड ईयर में क्या हो जाता है, ईडी आपकी सेकेंड ईयर में अलग अलग कर दी जाती है। अब के बारे में तीन ग्रुप बनाए हैं जी, जिसमें पहले ग्रुप में जो मैकेनिकल वाले हैं, इन ट्रेड की इंजीनियरिंग ड्राइंग सेम होने वाली है, इन ट्रेड की जो इंजीनियरिंग ड्राइंग है वो सेम रहने वाली है। ठीक है, आप लोग देख सकते हो, फिटर हो गया, टर्नर होगा, मैकेनिस्ट होगा। ठीक है, तो काफ़ी सारी ट्रेड्स हैं तो आप लोग इसमें देख सकते हो। उसके बाद जो इलेक्ट्रिकल में आता है, इलेक्ट्रिकल में भी इन्होंने काफ़ी सारी ट्रेड्स ली हैं जो सेम रहने वाली है। ठीक है, मैकेनिक हो गया, पावर इलेक्ट्रिशियन वगैरह हो गया, है ना, तो और आपका जो इलेक्ट्रिशियन पावर डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह होगा। तो इस प्रकार से काफ़ी सारी जो ट्रेड्स हैं इन्होंने ली है ग्रुप सेकेंड में, और ग्रुप थर्ड में इन्होंने लिया है क्या, वह वेस्टर्न नेविगेशन, मतलब नेविगेटर जो अलग सी है। ठीक है, तो ये आपको तीन ग्रुप में इन्होंने डिवाइड किया है अब की बार। ठीक है, तो इन ट्रेड की सभी की जो इंजन ड्राइंग है वो सेम रहने वाली है, क्लियर है। उसके बाद अब मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर जो आपके क्वेश्चन है वो कितने कितने रहने वाले हैं। तो इन्होंने सवाल की जो बात कही है तो देख लो, 50 जो सवाल रहेंगे आपके ट्रेड थ्योरी के होंगे, फर्स्ट ईयर हो चाहे सेकंड ईयर, कितने नंबर के, 100 नंबर के। उसके बाद 25 सवाल आपके किसके होंगे, वर्कशॉप कैलकुलेशन के और ईएस के, यानी कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के, 25 25 सवाल। ठीक है, और जो आपका नंबर कितना होगा, 100 नंबर के होंगे। ठीक, आगे वाले इसमें भी दिखाने वाला हूँ दूसरे शेड्यूल में, सही आपको दिख, इसमें आपको यहाँ पर देख सकते हो मार्किंग पैटर्न ऑफ इंजीनियरिंग ट्रेड्स। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पर देख सकते हो, इसमें आप लोग को सही दिख सकता है। टोटल क्वेश्चन कितने होंगे आपके, 25, किसमें, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में और ट्रेड थ्योरी में, कितने होने वाले, 50। ठीक है, यहाँ पर नंबर भी दे दिए हैं और क्वेश्चन भी दे दिए हैं। ठीक है, कितने क्वेश्चन रहने वाले हैं और कितने नंबर। ठीक है, उसके बाद आपको आने वाले शेड्यूल उसमें आपको पासिंग मार्क्स भी दिखाऊंगा, कितने पासिंग मार्क्स है। ट्रेड थ्योरी में आप लोगों ने देख लिया 100 नंबर का 50 सवाल, एम्प्लॉय में 50 नंबर 25 सवाल, यानी कि एक नंबर दो क्वेश्चन, मतलब जो एक क्वेश्चन है दो नंबर का है। वर्कशॉप में 50 नंबर का होगा, 25 सवाल होंगे, सीबीटी एग्जाम होगा, कराएगा कौन, डीजीटी। ठीक है, मतलब यहाँ पर एक किस्म से डीजीटी यहाँ पर रिस्पॉन्स वो करवाएगा। उसके बाद मतलब एजेंसी तो कोई सी भी हो सकती है। ठीक है, तो उसके बाद अब तीसरा जो उसमें आता है, तीसरा पॉइंट आप लोग देख सकते हो यहाँ पर, जो ऑफलाइन परीक्षाओं का शेड्यूल है वो इंजीनियरिंग ड्राइंग है ना, इंजीनियरिंग ड्राइंग है, यानी कि इसमें जो आपकी चेकिंग एक किस्म से बात की गई डीजीटी की, जो आपकी मतलब जो कॉपी चेकिंग होगी ना, जो आपकी सीबीटी एग्जाम आप लोगों ने दे दिया, फिर जो चेक करेगा तो वो कौन करेगा, डीजीटी करेगा। उसके बाद कंपनी तो कोई सी भी हो सकती है, मैंने अभी बताया आपको, कोई भी एजेंसी करवा सकती है एग्जाम, जैसे कि एनएसटीआई। ठीक, तो अब इसमें क्या है, आपका जो इंजीनियरिंग ड्राइंग है और प्रैक्टिकल के कौन चेक करेगा, वो करेगा आपका स्टेट आईटी डायरेक्टर, ठीक है, या फिर एजेंसी। ठीक है, तो ये आप लोग देख सकते हो इस प्रकार से। ठीक है, और आपका जो इसमें दिया गया है टाइम, मतलब कितने घंटे का रहने वाला है या फिर कितने सवाल रहने वाले हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ जो और चीज़ें हैं इसमें। ठीक है, कुछ ज़रूरी चीज़ें ही मैं आपको लेकर चल रहा हूँ, ज़्यादा फालतू, वैसे तो बहुत लंबा चौड़ा इन्होंने घिस दिया है यहाँ पर, वैसे जो ज़रूरी चीज़ें हैं हम यहाँ पर देखने वाले हैं। अब मैं बात कर लेता हूँ पासिंग मार्क्स की, कितने पास नंबर आपको चाहिए। मैंने आपको बताया नंबर कितने होंगे ट्रेड थ्योरी में, 100 नंबर होंगे चाहिए कितने पास होने के लिए, 33। वर्कशॉप में कितने होंगे, 50 नंबर होंगे पास होने के लिए, कितने चाहिए, 17। इंजीनियरिंग ड्राइंग में 50 नंबर का होगा, पासिंग मार्क्स कितने हैं, 17। उसके जो बाद आपका ट्रेड प्रैक्टिकल है वो कितना होगा, यहाँ पर 250 का होगा, पास होने के लिए कितने चाहिए, 150। ठीक है, उसके बाद जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल है वो कितने का होगा, वो होगा भैया आपका 17 नंबर का, मतलब पासिंग मार्क्स में 17 होने चाहिए टोटल। पाँच के अलावा जो 200 नंबर होते हैं वो आपके फॉर्मेटिव असाइनमेंट के होते हैं, जो आपकी आईटीआई देती है। तो टोटल 500 तो ये हो गए, 200 में ऐड हो गए, तो टोटल 700 नंबर का आपका पेपर होगा टोटल। ठीक है, तो यानी कि 200 नंबर वो किससे मिलते हैं, आपकी आईटीआई से देती है, जो असाइनमेंट के होते हैं ना,
वो आपकी ITI करवाती है, 200 नंबर जो आपके होते हैं, टोटल कितने हो गए 700 नंबर का टोटल आपका पेपर किया जाएगा। मैंने वेबसाइट पर पूरा डिटेल में लिख दिया है। चलिए अब अगला जो और अब मैं बात कर लेता हूँ फीस के बारे में कि उन्होंने फीस के बारे में क्या गाइडलाइन दी है। तो जो आपके ट्रेड प्रैक्टिकल और इंजीनियरिंग ड्राइंग होती है तो उसमें कितनी फीस देनी पड़ेगी, 274 की, कितनी होगी 274। और जो CBT एग्ज़ाम की जो फीस है वो कितनी होगी आपकी, 376 रुपये, ठीक है। टोटल कितनी होगी, 650, ठीक है। तो ये इन्होंने फीस का मुद्दा बताया। ये कुछ गाइडलाइन थी जो डिजिटी ने एग्जामिनेशन को लेकर जारी की थी, कुछ ज़रूरी चीज़ें थी जो मैंने आप लोगों को बता दी। वैसे जो आपकी फीस वगैरह जो सिस्टम ज़्यादा कुछ है वो आपकी ITI की ध्यान में रखेगी, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जैसे इन्होंने फीस पेमेंट का भी कुछ बताया मैथड कि कैसे आपको फीस पेमेंट करनी है, तो यानी कि मैंने आपको बताया कि स्टार्टिंग एडमिशन से लेकर के जो आपका सर्टिफिकेट आने तक का जो सब कुछ प्रोसेस है उन्होंने लिख दिया है सब कुछ, है ना। तो बाकी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, सिर्फ आपको एग्ज़ाम से मतलब होना चाहिए, अपनी एग्ज़ाम से, अपनी पढ़ाई से। बाकी जो डिटेल्स हैं जो फिलअप करना होता है वो सब आपकी ITI की जिम्मेदारी होती है, ठीक है। तो इस पर आपको ज़्यादा कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और मैं फिर से बता रहा हूँ, जिन छात्रों की परीक्षाएं होने वाली है वो टेंशन फ्री रही है, उनके लेकर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उनके पैटर्न में कोई बदलाव नहीं है। ये नए छात्रों के लिए जो आने वाले सेशन में, जो आने वाले दिनों में जो एग्ज़ाम होंगे 2020 वालों के या फिर 2019 सेकेंड ईयर वालों के, उनके एग्ज़ाम में ये पैटर्न लागू किया जाएगा, ठीक है। तो आपके एग्ज़ाम में ये पैटर्न नहीं लागू होगा, तो टेंशन मत लीजिए, आपका टेंशन फ्री होकर आपको पेपर देना है। कोई भी सवाल हो तो आप लोग मुझे लास्ट में कमेंट कर सकते हो। तो ये बेसिक जानकारी जो मैंने आपको दी, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। हाँ थोड़ा सा मैं लेट हो गया था, मैंने आप लोगों को बताया था कि आज क्लास भी नहीं हुई, तो क्योंकि मैं कहीं चला गया तो उस वजह से आज मैं क्लास भी नहीं दे पाया आप लोगों को। तो कोई बात नहीं, आपको कल से जो है शेड्यूल से क्लासेस मिलनी स्टार्ट हो जाएंगी। तो चलिए आज की वीडियो को मैं एंड करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। कोई भी सवाल हो मुझे लास्ट में कमेंट कर देना। चलिए।